अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुल्ज लाइफस्टाइल से। आज हम बना रहे हैं जिंजर ब्रेड कुकीज़। तो उसके लिए मैंने लिया है बटर, 12 टेबलस्पून है, ये 170 ग्राम बनता है। अब मैं इसमें एक कप शुगर डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी करके। ये मेरे पास ब्राउन शुगर है। अब मैं इसमें एक अंडा डाल दूं। हाफ कप मैं इसमें मोलासेस डाल दूंगी, वही जो मैंने पहले भी यूज किया है। आप गुड़ और पानी को पका ले, जब इतना गाढ़ा हो जाए तो बस आप इसको तैयार कर लें। अब हम इसे सिफ्ट कर लेंगे। अब मैदे के साथ मैं स्पाइसेस भी डाल दूंगी ताकि वो भी सिफ्ट हो जाएं। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है ये लौंग का पाउडर है। लौंग आपने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि स्ट्रांग होता है, फिर टेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग आएगा। और 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास जिंजर पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास जायफल का पाउडर है, नटमेग पाउडर, ठीक है। ये मैं इसमें डाल के सबको इकट्ठा सिफ्ट कर दूँ। पहले थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स करती हूँ क्योंकि ये फिर उड़ेगा बहुत, बाद में मैं मशीन लो स्पीड पे चलाती हूँ। इसको हम रैप कर देंगे बस इसी तरह। आप फ्रिज में इसको 2 घंटों के लिए छोड़ दें। हम 2 हिस्सों में इस तरह रैप करके इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटा छोड़ते हैं। 2 घंटे हो गए, अब हम इसे बेल लेंगे। ये मेरे पास बटर पेपर है, इस पे हम लोग इसको बेल लेंगे। अभी ये मेरे पास डिफरेंट कटर है, मैं इसके साथ काट लूंगी।
300 डिग्री पे मैंने 12 मिनट के लिए रख दी, क्योंकि हमारे रेडी है। अब इसे मैं निकाल दूँ। रैक पे हमने रख दिया ताकि अच्छे से ठंडे भी हो जाए, क्रिस्पी भी हो जाए। फिर जब ठंडे हो जाएंगे फिर इस पे हम लोग डेकोरेशन करेंगे। Thank you.